ओवर आर एंजल हमारे बीच है अनुराग दांगी, अनुराग दांगी इज राइट जी। सो मेरे पास कुछ है इसको इसमें राइट इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, ये टैरो कार्ड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ एम्प्रेस लवर्स जस्टिस द फूल राइट। और दो है सेम है सिमिलर है इम्पैक्ट और इम्पैक्ट राइट। सो अब मेरी तरफ देखेंगे राइट अपना हाथ देखें वी आर गोइंग टू कनेक्ट राइट। लंबे गहरी सांस लीजिए छोड़िए and just pick out the card and just choose anyone in your head right man mein choose ha done okay no now look at me log bhi soch sakte hain red bhi soch sakte hain right par apne red soch rahe hain uthayenge red wale ek utham pura us card ko bade aaram se dekhiyega bade aaram se ek ek picture ko aaram se dekhiyega visualize kariyega ki kya matlab ho sakta hai स्ट्रेंथ क्या कह सकता है एम्प्रेस क्या कह सकता है लवर्स जस्टिस एंड दी लॉन्ग कार्ड्स राइट। एंड लुक एट मी अनुराग जी किसी पर्सन के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है महत्वपूर्ण व्यक्ति हो ठीक है जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं और देखिए कि उस पर्सन को आप किस कार्ड से रिलेट कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट किस कार्ड से उस पर्सन को रिलेट कर पाएंगे अपने हेड में ही सोचना है ठीक है। सिगरेट निकाल रहे ना नहीं नहीं कुछ लगेगा तो नाम ही बता दीजिए ओके हाँ। और मैंने एक कार्ड पहले रख दिया ठीक है ठीक है। उसके बाद आप एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ठीक है कोई भी कार्ड आपको लगता है कि उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कार्ड को रख दीजिए एनी कार्ड ओके सीधा ओके। मैं एक और कार्ड लेने जा रहा हूँ आप किसी और दूसरे पर्सन के बारे में सोचिए ओके। और मैं पहले एक कार्ड रखने जा रहा हूँ ठीक है वापस से हाँ वापस से आप रख दीजिए ओके। अभी तीसरे कार्ड पे चौथे कार्ड और पांचवे कार्ड बाकी तीन कार्ड वी आर लेफ्ट विद द थ्री कार्ड्स राइट ओके। सो हम लोग बचे किस किस कार्ड के साथ हैं हम लोग पहले रिवील कर देते हैं राइट। दो कार्ड एक कार्ड और एक कार्ड हमने रखा है एक कार्ड आपने एक कार्ड हमने रखा है राइट। So we are left with the Empress. Empress remove कीजिए निकालिए Empress. आपके पास भी the Fool है, right? And we are left with the Justice, right? So हमने दो कार्ड बोला था निकालने को पहले मैंने कार्ड रखा है उसके बाद आपने रखा पहले पर्सन के बारे में बोला था मैंने सोचने के लिए राइट। और ये पहला जो पर्सन है ये ओल्ड एज नहीं है आपके एज का ही है एंड आई कैन सी टू यूर आईज द पर्सन इज फीमेल यस और नो यस ओके। और दोनों कार्ड को उठाएंगे अभी उठाएंगे ठीक है। और जो पहला कार्ड था ना इट वाज द लवर्स कार्ड राइट। और सेकंड कार्ड यू लेफ्ट विद द वन स्ट्रेंथ जो कि आपके फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट करता है यू आर थिंकिंग अबाउट द फैमिली मेंबर समवन से राइट एंड द कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन। थैंक यू वेरी मच क्या बात है बहुत बढ़िया शानदार।